दोस्तों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CSS के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, CSS जो होती है, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि नॉर्मली हम CSS को यूज़ करते हैं वेबसाइट को डिज़ाइन करने में, वेबसाइट का लेआउट, ओवरऑल वेबसाइट का लेआउट जो कि दिखने में अच्छा दिखे, वो CSS के थ्रू ही होती है। जो आप कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं जिसके लिए लुक एंड फील आपको इतनी अच्छी दिखती है, वो सब कुछ CSS के वजह से पॉसिबल होता है। बिना CSS की आपको साइट बिल्कुल ही बेकार दिखेगी, सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिखेगा। तो CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज मैं आपको CSS के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, CSS जो होती है 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप की CSS होती है। फर्स्ट जो होता है इनलाइन CSS, सेकंड इंटरनल CSS, थर्ड एक्सटर्नल CSS। तो दोस्तों, हम तीनों को डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है ये और कैसे इसको हम लिखते हैं, CSS को कैसे यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट बनाने में। चलिए, तो सबसे पहले हम इनलाइन CSS के बारे में देखेंगे। इनलाइन CSS जो होती है वो स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ हम यूज़ करते हैं, HTML एलिमेंट के साथ, पर्टिकुलर किसी सिंगल एलिमेंट पे, HTML एलिमेंट के साथ हमें कुछ डिज़ाइन करना है या कुछ चेंज करना है, तो पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके इनलाइन CSS लिखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इनलाइन CSS कैसे लिखते हैं। दोस्तों, बॉडी के अंदर में हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं H2। H2 के अंदर में दोस्तों, स्टाइल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया था, मैंने अपने पिछले वीडियो में स्टाइल के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को देखिए, उनमें आप उसमें आपको स्टाइल के बारे में बताया गया है। तो हम स्टाइल कैसे लिखते हैं, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स, इसके अंदर हम लिखेंगे कुछ भी डिफाइन करना होगा, किसी टेक्स्ट को कलर देना है, किसी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, किसी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, कुछ भी देना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं इसमें कलर देता हूँ, कलर डिफाइन करता हूँ मैं रेड। अब इसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा वो रेड कलर में आएगा, दिस इज रेड हेडिंग। दोस्तों, इसको मैं सेव करता हूँ, मैंने सेव कर लिया है Ctrl+S से। आपको जो जैसा सूटेबल लगे आप वैसे सेव करिएगा। अब इसको ब्राउजर में हम चेक करते हैं। अब देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दिस इज रेड हेडिंग, रेड कलर में हेडिंग आ गई जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया है। दोस्तों, ये होती है इनलाइन CSS। अब हम, उम्मीद है दोस्तों आपको इनलाइन CSS समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे इंटरनल CSS के बारे में। तो दोस्तों, इंटरनल CSS का हम यूज़ करते हैं किसी सिंगल HTML पेज के लिए, और इसको हम डिफाइन करते हैं हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर हम इसको HTML एलिमेंट के अंदर डिफाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ये तो हो गया हमारा इनलाइन। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये इनलाइन CSS डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि
इंटरनल सी एस एस डिफाइन कैसे करते हैं? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हेड टैग के अंदर ये हमारा हेड ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे एच टी एम एल एलिमेंट के अंदर, सॉरी स्टाइल एलिमेंट के अंदर इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं, टाइप डिफाइन कर सकते हैं, इसका टाइप के अंदर हम लिख देंगे टेक्स्ट सी एस एस। स्टाइल क्लोज अब इसके अंदर हम लिखेंगे दोस्तों, अब इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, जैसे मैं डिफाइन करता हूँ बॉडी का कलर, बॉडी के कल बैकग्राउंड कलर कैसा है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर, अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड कलर ग्रे। दोस्तों मैंने डिफाइन किया कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है, वो बैकग्राउंड कलर जो है बॉडी का, वो ग्रे कलर में आए, और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं H2, और जो मेरा H2 में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उस टेक्स्ट का कलर है ब्लू में। ये दोस्तों हो गया टेक्स्ट का कलर ब्लू। अब मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ P, जो मेरा पैराग्राफ हो उसका कलर आए ग्रीन में, चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे CSS डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे मैं पी टैग डिफाइन पैराग्राफ डिफाइन कर देता हूँ, दिस इज पैराग्राफ विथ ब्लू टेक्स्ट। दोस्तों इसको सेव कर दिया मैंने, अब इसको हम ब्राउज़र में चेक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर ग्रे आया है, H2 का कलर जो है टेक्स्ट कलर ब्लू है, और जो पैराग्राफ का कलर है वो ग्रीन है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इनलाइन सॉरी इंटरनल CSS यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल CSS कैसे यूज करते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको एक्सटर्नल CSS के बारे में बताता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। दोस्तों एक्सटर्नल CSS क्या होती है? दोस्तों एक्सटर्नल CSS को हम पूरी साइट के लिए डिफाइन करते हैं, हम एक अलग से HTML की एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें CSS लिखते हैं, और वो जो कि एक से ज़्यादा पेजेस पे हम उसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सटर्नल CSS यही होता है कि जो हम मेनी HTML पेजेस पे यूज कर सकें, और एक्सटर्नल CSS का सबसे एक्सटर्नल CSS बहुत यूजफुल होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम एक एक्सटर्नल CSS की फाइल बना देते हैं और उसको सभी पेजों में कॉल करा देते हैं, और कोई भी चेंजेज होती हैं, लेआउट हो गया, कोई भी डिज़ाइन की चेंजेज होती है किसी भी पेज पे, हम उसी पर्टिकुलर एक CSS में जाके चेंज करते हैं, और वो सभी जगह चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाती है, हमें हर पेज पे जाके चेंज नहीं करना होता लाइक इनलाइन CSS और इंटरनल CSS। तो एक्सटर्नल CSS बहुत ही यूजफुल होती है, और जो कि सभी वेबसाइटों में एक्सटर्नल CSS ही यूज होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटर्नल के CSS कैसे
डिफाइन करते हैं दोस्तों। एक्सटर्नल सीएसएस जो होती है हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे दोस्तों। एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड कराने के लिए पेज पे हम एक लिंक ऐड करेंगे जिसमें हम एक्सटर्नल फाइल को कॉल कराएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल सीट। इससे हमें पता चलता है कि ये जो फाइल हम लिंक ऐड करा रहे हैं वो स्टाइल सीट सीएसएस के लिए है। और इसमें हम कॉल कराएंगे पाथ दोस्तों। जैसे कि मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की फाइल को मुझे यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा दी लिंक रेल स्टाइल सीट और उसके एच आर ई एफ में दे दिया स्टाइल डॉट सी एस एस जो जिसमें हमने सी एस एस लिखनी है। तो चलिए दोस्तों हम एक आपको सी एस एस की फाइल दिखा देते हैं कैसे क्रिएट करते हैं सी एस एस की फाइल। इसको हम सेव करेंगे, सेव एज करेंगे और यहाँ से हम चूज करेंगे एक्सटेंशन की कौन सा हमें डॉट सी एस एस में सेव करना है। इसे कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स फाइल तो इस पर हम ये एक्सटेंशन लेंगे और यहाँ पे हम नाम दे देंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। अब इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। हमने डेस्कटॉप पे इसे सेव कर दिया दोस्तों। हमने स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की एक फाइल बना ली, इसको हमने यहाँ पे कॉल करा दिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। अब हम यहाँ पे सी एस एस लिखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट इंटरनल सी एस एस में दिखाया था ये बैकग्राउंड कलर, अब हम यहाँ पे बॉडी में डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड कलर को हम ब्लू में डिफाइन करते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू में डिफाइन कर दिया और H2 का जो कलर हम डिफाइन करते हैं, H2 हमने डिफाइन किया था लास्ट CSS में ब्लू और पैराग्राफ ग्रीन, तो हम यहाँ पे जो H2 का कलर डिफाइन करते हैं रेड और पैराग्राफ का कलर हम डिफाइन करते हैं वाइट। दोस्तों इसको हम सेव कर लेते हैं और अब रन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है, हेडिंग की जो कलर है वो रेड हो गई है और जो टेक्स्ट पैराग्राफ का कलर है वो वाइट हो गया है। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई वो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपकी क्वेरी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ये इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा हो, जो सी एस एस एच टी एम एल सीखना चाहते हो उनको इसका फ़ायदा मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।